हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वो 9th में भी पढ़े हैं और भी 8th क्लास में भी कुछ चीजें वहां पर सिखा दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत क्या होता है ना, जब 10th में आते हैं या 9th में रहते हैं, तो एक्चुअली क्या है होता है ना कि ये ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में दे दिया रहता है। जैसे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई वैल्यू होती है ना, तो उसको ग्रुप बना के और वो वैल्यू को दे देते हैं, तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि ये जो चैप्टर नंबर 13 है, इसको इसमें सिर्फ तीन चीजें ही पढ़नी है। पहला, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, तो आपको सीखना है कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन मीन बोलो, इसी को एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको सीखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका मीडियन। ठीक है, मीडियन सीखना है। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट ये है, मोड। ठीक है, ये तीन चीजें स्टैटिस्टिक्स में खास करके सीखना है। ये चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बच्चे ऐसे समझ लेते हैं टेबल के फॉर्म में दिया है तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। कुछ हार्ड नहीं है, एक बेसिक फंडा की तरह आप इसको समझते जाएंगे ना, तो बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, मैं आराम आराम से इसको समझाते जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अगर इस मीन की बात करूँ ना, इस मीन की मैं यहाँ पे अगर पहला इसकी लिखूं मीन। ठीक है, अगर मैं मीन की बात करूं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड हैं यहाँ पर। ठीक है, हालांकि देखा जाए ना, ये मेथड क्या है, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं जो आपको इजी कर देते हैं। जैसे पहला वाला, अगर मैं मेथड ए की बात करूं, तो पहला वाला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं ना, तो एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये है क्या, चीजों को आसान करता है। जैसे होता है ना कि किसी के जाने का रास्ते कई सारे होते हैं, कोई आसान रास्ता होता है, कोई हार्ड रास्ता होता है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू जैसे जैसे दी रहती है, उसके बेस पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये नाम सुन के ना बच्चे डर जाते हैं, ये क्या है, मीन फाइंड आउट करना तो हमने सिर्फ यही सीखा था, मीन मतलब एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही हमने सीखा था। तो ये तीन चीजें क्या आ गई, ये चीजें बच्चे देख के डर जाते हैं। अरे भाई साहब, वही चीजें हैं, बट क्या है, सम, ये जो ऑब्जर्वेशन इसमें है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना, तो टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं, और वही यहां पर भी होगा। जैसे डायरेक्ट मेथड में अगर मैं इसके मीन निकालने की बात करूं, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या होता है, समीशन एफ आई, मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसी है और एक्स आई, उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई अपन समीशन एफ आई, ये है। ठीक है, वही अगर एज्यूम मीन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक चीज हम मानते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें x बार इक्वल टू होता है समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई, हो जाता है समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, ये हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूले है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके और इसको एक बॉक्स में इस तरीके से रख, ऐसे ये दूसरा वाला है, इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अभी यही चीजें अगर मैं बोलूं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का, तो इसमें क्या करते हैं, एक और थोड़ा सा आसान करने के लिए एक और चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू होता है, जो आप पहले ना यहाँ पर एक एज्यूम किए होते हैं वो। ठीक है, जैसे एज्यूम करते हैं ना, तो ए जो एज्यूम किए रहते हैं, प्लस समीशन
एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये रहता है। और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक और आ जाता है एच, जिसको एच को जो बोला जाता है क्लास मार्क बोला जाता है, मतलब क्लास लेंथ बोल दोगे, ठीक है। ये जो एज्यूम किए रहते हैं वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें एक और चीजें रह गया था, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में, क्योंकि इसमें एक एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए रहता है, ए ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये चीजें तीन है, तीन फॉर्मूले, इसी बेस पे हम मीन फाइंड आउट करना सीखते हैं, ठीक है। अब एक एक अगर मैं क्वेश्चंस लेके अगर मैं आपको समझाऊं तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस में अगर लूं तो हर एक क्वेश्चंस को समझने का तरीका आपको आसानी से समझे। ये तीनों को मैं एक एक क्वेश्चंस लेके आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन लिया ना, मैं वही क्वेश्चन को ले रहा हूँ, कोई ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री को इसी तरीके से समझा, या एग्जाम्पल नंबर वन को ही मैं तीनों मेथड यूज करके यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है, आसानी से समझ में आ सके। वही मैं वर्क करने वाला हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आके। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया, एक पेज ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाने वाला हूँ, ठीक है। Do you want to install new version? No. अभी न्यू वर्जन नहीं इंस्टॉल करना है, यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नाम लिख दूँ कि पहला वाला हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जो दिया है ना, उसको मैं थोड़ा टेबल फॉर्म में बना लेता हूँ। और मुझे टेबल कहाँ से मिलेगा? लाइन यहाँ से मिल सकता है ना, लाइन, और सेव भी मिल जाएगा। चलिए, लाइन कहाँ से मैं ड्रॉ करूँ? अलग अलग चीजें मिल जाती हैं इसमें, यूजिंग टूल, मल्टीपल टच, रबर है, इरेजर है, यहाँ पे आपको शेप एंड लाइन मिल जाएगा। चलिए, मैं एक काम करता हूँ ना, टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। टेबल कितना बनेगा? मेरे ख्याल से तीन टेबल में काम हो जाएगा, ठीक है। और भी आगे इसको बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तीन टेबल बना लेते हैं, शायद और आगे बढ़ सके तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, और टेबल आगे बढ़ेगा? और आगे करना नहीं होगा, ये छोटा छोटा कर लेना चाहिए था। चलिए, मैं ट्राई करता हूँ कि एक बार और एक टेबल लाके इसके साथ मैं एग्जैक्ट इसी पे मैं टच कर देता हूँ और इसको छोटा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा आप स्पीड में करके भगा देना, ठीक है, कि ताकि आपको आसान रहे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो आपके क्वेश्चंस में दिया है, एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोला है? द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th ऑफ ए सर्टन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे जो उसमें दिया हुआ है वो चीजों को मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, जो चीजें दी हुई है वो चीजें मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो 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 चीजें इसमें दी हुई है, पहला दिया है मार्क ऑफ 10, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क ऑफ 10, इसमें लिख देते हैं मार्क, ठीक है। और मार्क कौन सा? जो मिला है, ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स है, ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स, पूरा तो नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ इसको, और ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ,
इलेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद नहीं हो रहा, ये सिलेक्ट करना था। थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाता तो काम बन जाता, लिखने में अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आप भगा लेना कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है ना सिलेक्ट कर लूँ मैं, ठीक है। दूसरा जो है बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो दूसरा है इसमें आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं ना, जो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेंड क्या है, एक्स आई से इंडिकेट करते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एफ आई से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें कहाँ से दिया है, जैसे कि 10 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो एक हैं। फिर बाद में 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो एक है। फिर उसके बाद से 30 लाने वाले, 40 लाने वाले, 50 लाने वाले, 50 के बाद से 56 लाने वाले, फिर बाद में है 60 लाने वाले, फिर 70 लाने वाले हैं, फिर उसके बाद से 72 लाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे करके हो, मैं इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके हो। और इसमें ये भी दे देता हूँ, 3 है, ठीक है, फिर बाद में 4 हो, और फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर बाद में 1 है, और बढ़ा लेते हैं। टेबल तो लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फटाक से टेबल ले लेंगे। टेबल ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, कितना और है, 4 और है, 5 ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो है 72 के बाद है 80, लिख लेते हैं, यहाँ पे है 80, और फिर उसके बाद से 88 है, और फिर उसके बाद से 92 है, फिर उसके बाद से 95 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार 1 हो गया, फिर बाद में 2 3 1 हो गया, 2 3 1, और यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल, ठीक है। टोटल का मतलब ये जो एफ आई है उसका समेशन एफ आई निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 स्टूडेंट बोला ये, तो टोटल हो गया 30, इसको काउंट करेंगे 30 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मुझे लिखना है ना, यहाँ पर वो लिखना है एफ आई और एक्स आई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, समझ में आया, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे। तो देखिए 10 1 10 हो गया, 20 और 1 का 20 1 20 हो गया, 33 90 हो गया, 44 4 4 16 160 हो गया, 53 150 हो गया, 56 2 करेंगे तो 112 हो जाएगा, 64 6 4 24 मतलब 240 हो गया, 7 4 28 और एक जीरो लग गया, 72 1 72 81 80 88 2 160 196 196 हो जा रहा है, और 92 3 अगर मैं करता हूँ तो वो हो जाता है, अच्छा ये 176 होगा, सॉरी 176 होगा, और ये आ जाता है आपका 276, और इसको मल्टीप्लिकेशन 1 से ही करना है तो 95 ही रहेगा। इन सब को जोड़ोगे, ये क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई है, इन सब को जोड़ते हैं तो आ जाता है 1779, इतना आ जा रहा है। अब जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, डायरेक्ट का एक्स बार इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई
समीशन एफ आई। अब जैसे देखो ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना आसान था, यहाँ पर देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन करना आसान था और इनको जोड़ना आसान है, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख के और डिवाइड कर लोगे, 1779 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 30 है, और इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ मैं तो मेरी जो वैल्यू आ जाती है 59.3। ये आपके टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, ठीक है। ये अब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, यहाँ तो आपका क्लास मार्क में नहीं दिया है कि रेंज में नहीं दिया है, ये जो दिया ना मार्क, ये रेंज में ना दिया हो, जैसे कि ग्रुप में दिया हो, क्लास में दिया हो, जैसे 10 से 20 दिया हो, 20 से 30 ऐसे करके दिया हो ना, तो आपको क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। ये जो मार्क है ना, ये एक्स आई आपको निकालने पड़ेंगे। तो निकालेंगे कैसे, तो वो जो लोअर और अपर है ना, इनका एवरेज ही एक्स आई हो जाएगा, एवरेज ही एक्स आई हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है, ट्राई करूंगा, अभी छोटे छोटे बना रहा हूँ और जैसे जैसे समय मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी अगर टाइम अगर मैं दिखाऊं तो 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ये मतलब टेबल बनाने में मिस्टेक हुआ, तो मैं एक काम करूंगा कि पहले से ही टेबल बना के रखूँ ताकि आपको इजिली क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी लगा के रखूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये डायरेक्ट मेथड था, आपको एज यू मेन मेथड भी समझाऊंगा, आपको स्टेप डेविएशन भी मेथड समझाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं कराऊंगा, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद आपका।